वेलकम बैक। अहम खबर है, स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही की डीजी पार्लिमानी अमूर की गिरफ्तारी और असेंबली स्टाफ के घरों पर छापे की शदीद मजम्मत। चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ये सब इसलिए कर रहे हैं कि उनके पास वोट नहीं है, और इसी सिलसिले में रابطہ किया है। चौधरी परवेज इलाही साहब इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। जी वालेकुम सलाम। चौधरी साहब क्या कहेंगे, सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये जो गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही हैं, असेंबली स्टाफ के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, आपकी जानिब से शदीद मुजम्मत की गई है, इस बारे में क्या कहेंगे? ये बड़ी बदतरीन मिसाल है। शरीफों ने जो रिवाइव की है, ये पहले यही आते करते ये तीन दफा हुकूमतों से निकले हैं और इंशाल्लाह अब तो बिल्कुल फारग हैं। ये घबरा के ये सारा काम कर रहे हैं और इस तरह कभी नहीं हुआ। देखें, जैसे ये शीरी मजारी के साथ हुआ तो फिर अदालत ने सुबह मोटो लिया, तो यहाँ भी सिचुएशन ये है कि हमारे रात को 3 बजे जो राय साहब हैं हमारे सेक्रेटरी, उनको पकड़ लिया, फैमिली को हरासां किया, सेक्रेटरी असम्बली मोहम्मद खां घर चले गए, और इसी तरह लक्ष साहब जो लेजिस्लेशन के हेड हैं, और खवातीन को लॉन में इकट्ठा करके तो हरासां करते रहे और बुलेट मारते रहे और डराते रहे, लेकिन कोई भी डरा नहीं है इनसे। और ये हमारा आईनी हक है, आज इजलास भी होगा और सारे मेंबर जाएंगे, एज ए कस्टोडियन ऑफ द हाउस मैं खुद भी जाऊंगा, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता, इनका बाप भी नहीं रोक सकता, और इंशाल्लाह इनको हम असेंबली के अंदर हराएंगे। चौधरी साहब, असेंबली इजलास कैसे होगा? पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है इस वक्त पंजाब असेंबली के, लोगों एरिया बना दिया गया है इसको, आपको आप समझे ना। जी जी, ये आइन के तहत हमारा अदारा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को हाथ में लेना जो है ये आर्टिकल 6 लगेगा इनके ऊपर, और इंशाल्लाह इनको हमने सजाएं भी दिलवानी है, ये पुलिस वालों को और ये हमजा शहबाज शरीफ और इसके बाप को, कि ये कैसे रोक सकता है। ये तो बिल्कुल उसी तरह है कि जैसे बाकी अदालतें भी तो चल रही है ना कोर्ट्स, वो भी तो इसी आइन का हिस्सा है, ये सारा आइन के हिस्से हैं ये सारे, जैसे आपका मीडिया है। लेकिन चौधरी साहब, खारदार तारे लगा दी गई हैं इस वक्त, मैं आपको बता रही हूँ ताज़ा तरीन इतलात हमारे पास विजुअल्स हैं, पुलिस की भारी नफरी है वहाँ पर, जिसको बुला लिया गया है, कहा जा रहा है कि नहीं आज किसी भी सूरत इजलास नहीं होने दिया जाएगा, फिर किस तरह से इजलास मुमकिन होगा, सूरत हाल तो कशीदा है। मेरी बात आप पहले मुकम्मल हो दिया करें ना, उसके जी जी प्लीज करें, मैं ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और आपके जरिए से व्यूअर्स को, देखे जैसे अदालतें हैं ना, अदालतें ये पुलिस बंद कर सकती है, इसी तरह ये इदारा भी नहीं बंद कर सकती। और सुबह मोटो लेंगे इंशाल्लाह, वकला की टीम सारी पहुंच गई है वहां, सारी बार इकट्ठी हो रही है, वकील इकट्ठे हो रहे हैं, और मैं देखता हूं ये कैसे रोकते हैं, बिल्कुल नहीं रोक सकते, हम जाएंगे, आप भेजे वहां मीडिया, आप देख लेंगे, खुद देख लेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपके वक्त के लिए। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही हमारे साथ थे।